रिक्वेस्ट है कि आप क़यामत आम पे कोई खुली चीज़ ना लें। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुगलवाला लोधरा का एरिया। और आज मैं चल रहा हूँ अपनी होंडा सिटी पे जलालपुर। जलालपुर से मैं कहीं आगे जाना है फंक्शन पे। फिलहाल मैं मुगलवाला हूँ, यहाँ पे वैसे रुका हूँ मैं। यहाँ का माहौल चेक कर लें भैया, क्या कहने। यहाँ पे जवार है शायद, और यहाँ पे सब्जी लगाई हुई है, और वहाँ पे कपास। आज का व्लॉग ज़रा हरा भरा होने वाला है। अभी चल रहे हैं जलालपुर। जलालपुर यहाँ से तकरीबन 40-45 किलोमीटर है। और आज हम पाकिस्तान की मेन शहरा पे सफ़र करने वाले हैं। देखते हैं आपको रास्ते में या फिर जलालपुर। फिलहाल मुझे नींद आ रही है, और आपको पता है मैं हूँ रात का चीता, दिन में हूँ मैं सोता। जलालपुर दिखने में बहुत ही छोटा सा शहर है, लेकिन जो सी पैक जलालपुर को क्रॉस कर रहा है, जो जलालपुर से गुजर रहा है, उसने जलालपुर को मतलब सोने की चिड़िया बना दिया। आजकल का जो मौसम हुआ पड़ा ना यार, बहुत ही कमाल। सुबह सुबह इतनी प्यारी ठंड, ठंडी मीठी ठंड, और यहाँ पे आगे रोड बन रही है। अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे गाड़ी लेके जाऊँ या ना जाऊँ। शुक्रिया भाईजान। जब मैं गाड़ी पे आता हूँ तो सबसे मुश्किल रास्ता मुझे यही लगता है बहादुरपुर वाला। एक तो यहाँ पे गटर होता है, बहुत ज़्यादा पानी होता है, और जब यहाँ पे कोई ट्रॉली वगैरह आ जाए तो बस फिर। जलालपुर के मशहूर चने चावल, चौक फौरा और ये वाला चौक, इसके सामने खड़े होते हैं ये इलियास भाई। मैं जब भी आता हूँ जलालपुर, पहला हमारा काम यही होता है कि यहाँ के चावल छोले खाएँ। गुड आफ्टरनून फ्रॉम शेरशाह मुल्तान। सी पैक से निकल चुके हैं, और ये है नेशनल हाईवे मुल्तान। यहाँ से हम जाएंगे कोट अद्दू। मुझे नींद आ गई थी, मैं रात से सोया नहीं हुआ, तो अभी मैं उठा हूँ और मैंने कहा चलें व्लॉग कर लेते हैं और मेमोरीज बना लेते हैं। शुजाबाद क़यामत आम पे रुके थे हम, और मुझे भाइयों ने उठाया कि भाई कुछ खा भी लेते हैं। हमारी रिक्वेस्ट है कि आप क़यामत आम पे कोई खुली चीज़ ना लें। नांगशा रोड पर चलते हैं और दिखाते हैं आपको क्या माहौल है। अभी तक सफर फिट जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। शाम के बज रहे हैं 5, और आज का दिन काफी बिजी गुजरा है। मतलब 1 बजे के हम आए हुए हैं और हमें खाना मिला है 4:30 बजे। अंदाज़ा लगा लें, उन्होंने क्या बोला था कि 11 बजे, शार्प 11 बजे खाना चल जाएगा, बट क्या कह सकते हैं। अब हम 5 बज गए हैं और काफ़ी लेट हो चुके हैं। अभी मैं निकल रहा हूँ वापस बहावलपुर। आपको बहावलपुर में कोट अद्दू एक्सप्लोर नहीं किया है, मतलब इंशाल्लाह नेक्स्ट प्लान बनाएंगे, कोट अद्दू घूमेंगे। बहुत देर लग गई यहाँ पे मुझे घूमना था हेड बैराज।
लैपटॉप पे एडिट कर रहा था व्लॉग और थोड़ा सा रह गया, अब मैं कहीं रुकूंगा वहाँ पे थोड़ा एडिट करके फिर इसको अपलोड करूंगा। और अगर सर आप देख रहे हैं हमारी वीडियो तो आप प्लीज़ हमारी मजबूरी समझ सकते हैं, मैंने आपको बता दिया सीन सारा, तो प्लीज़ वीडियो देख रहे हैं, आई होप कि आप देख रहे हो वीडियो, अगर देख रहे हैं तो सर थोड़ा। अभी हम क्रॉस करें हैं दरिया चनाब और पहले नीचे ट्रेन जाती थी और ऊपर ट्रैफिक जाती थी, अब ये ट्रैफिक के लिए एक पुल बन चुका है और ट्रेन वहाँ से जाती है। एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी। अच्छा भाई, ये है नदर बलोच स्पेशल दूध बोतल बनाने वाले। मेरे पीछे मुजफ्फरगढ़ रोड है जो मुल्तान जा रहे हैं, यहाँ से मुल्तान कोई 30-32 किलोमीटर है। मुजफ्फरगढ़ से जैसे मुल्तान जाते हैं, मुल्तान रोड पे ये है नज़र ब्लो स्पेशल दूध बोतल वाले। यहाँ पे काफ़ी रश भी है और यही एक फेमस है जो असल है, बाकी इसकी कॉपीज़ काफ़ी सारी हैं। यहाँ पे लोग आए हुए हैं, रक्शे भर के आए हुए हैं, गाड़ियों में भी आए हुए हैं। कल मैं पहुंच गया था और व्लॉग भी एडिट करके कल डाल दिया था, मतलब कल हमारी छुट्टी नहीं हुई है, लेकिन इतना ज़्यादा थक गया था ना, पूरे जिस्म में दर्द है, मेडिसिन लेके सोया था और लेट अब मैं उठाऊँ, अभी शाम हो गई है। ये था व्लॉग, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, मस्ट लाइक करें, शेयर करें, अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, आपको अगली वीडियो पसंद आ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह। ऐसी जो कह दे तुझे तेरी तकदीर नहीं, अगर हुई तेरी हार तो मान ले ये बात, बंदा तू ही जिम्मेदार कोई और नहीं। नाम बनाया नाले पैसा भी कमाया, लोकी कर देने गल्ला आपा करके लखाया।